हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल आशा ब्लॉग में। और आज मैं दलिया घी लड्डू की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम कुछ दलिया ले लेंगे और ये दलिया बहुत ही हेल्दी होता है। बच्चों हो या बड़े हो, सभी के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम गैस पे कढ़ाई रखी है और कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब इसमें हम एक चम्मच घी डाल देंगे और उसमें कुछ हम ड्राई फ्रूट पहले भून लेंगे। तो ड्राई फ्रूट में हम बादाम, काजू और किशमिश लेकर भून लेंगे और आपको जो पसंद हो आप वो लेकर भून सकते हैं और लड्डू में डाल सकते हैं। भुनी हुई ड्राई फ्रूट का लड्डू में स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार जैसे मन करे वैसे डाल सकते हैं। उसके बाद ड्राई फ्रूट को भूनने के बाद हम निकाल लेंगे और उसके बाद 2 चम्मच घी डालकर घी को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। घी जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तब हम इसमें दलिया डालकर भून लेंगे और दलिया को हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तब हम इसका गैस बंद कर देंगे और दलिया को निकाल लेंगे और जब ठंडा हो जाए तब हम इसका पाउडर बना लेंगे। और उसके बाद हम घी में 2 कप पानी डालकर गैस पे कढ़ाई रखेंगे और हम कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब इसमें 2 कप पानी डालकर 1 चम्मच घी डालकर अच्छी तरह मिला लेंगे। और जब पानी में उबाल आ जाए तो हम सारे दलिया के पाउडर को डालकर मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद थोड़ी देर इसे हमें ठंडा होने देंगे। हम इसे हाथों से अच्छी तरह मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम एक कटोरी भूरा डाल देंगे या चीनी को पीस पाउडर बनाकर भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम इलायची पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच और सभी को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। और जो ड्राई फ्रूट हम भून कर रखे थे उसको भी हम इसी में डालकर मिला लेंगे। उसके बाद बड़ा छोटा अपने इच्छा अनुसार आप लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए। सभी मिश्रण को अच्छी तरह मिलाने के बाद हम छोटा बड़ा अपने साइज इच्छा अनुसार लड्डू बना लेंगे। और सारे लड्डू बनाने के बाद हम इसमें नारियल का बुरादा या भूरा शुगर को कोट कर लेंगे, अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। हमारा टेस्टी लड्डू बनकर रेडी हो गया फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय।